दिल्ली के ट्रैक्टर मार्च की तर्ज पर हरियाणा के जिलों में भी किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर फतेहाबाद में भी 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी है। फतेहाबाद में 26 जनवरी को लघु सचिवालय के बाहर किसान तिरंगा झंडा फहराएंगे और उसके बाद पूरे शहर में हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इस ट्रैक्टर मार्च पे आगे आगे हाथों में तिरंगा लेकर किसान पैदल चलेंगे और पीछे ट्रैक्टर और अन्य साधनों के द्वारा मार्च निकाला जाएगा। किसानों के द्वारा गांव स्तर पर अभियान चलाकर इस ट्रैक्टर मार्च का न्योता दिया गया। 26 जनवरी हमारे देश के संविधान लागू होने का राष्ट्रीय पर्व है, हमारा गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस को हम पहली बार किसान और मजदूर इसमें शामिल होकर नए और ये राष्ट्रीय पर्व अपना मनाएगा। जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष ये मोर्चा है, इसका जो आह्वान किया गया है कि जो भी किसान मजदूर दिल्ली आ सकते हैं दिल्ली आ जाएं और जो दिल्ली नहीं आ सकते वो अलग अलग जिलों के अंदर जो इस मोर्चे लगे हुए हैं, जैसे यहाँ फतेहाबाद के अंदर डीसी कार्यालय के बाहर है 6 जनवरी से पक्का मोर्चा लगे हुआ है और उस पक्के मोर्चे के आह्वान के ऊपर कल 12 बजे यहाँ फतेहाबाद डीसी कार्यालय के ऊपर हम इकट्ठे होंगे। यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे, तिरंगा झंडा फहरा के और यहाँ राष्ट्रीय गान गाया जाएगा, संविधान की शपथ ली जाएगी और उसके बाद में शहर में परेड करते हुए तिरंगा झंडा हाथ में लेके लालबत्ती चौक से कॉलेज रोड रतिया रोड होते हुए हमें बाईपास से और आगे बाईपास होते हुए बुन्ना मोड़ के ऊपर पुल से नीचे उतर के ना वापिस शहर में एंट्री यहीं आके ना फिर अपना जनसभा का कार्यक्रम करेंगे। कौन कौन से संगठन शामिल होंगे जी इसमें? इसके अंदर जो भी 13 जो संगठन है यहाँ किसान खेत मजदूरों के, इसका संयोजक जगतार सिंह है, तो उसके तमाम साथियों से हमारी बातचीत हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है और उसी के अंदर जितने भी इस मोर्चे में शामिल संगठन है, किसानों के हैं, खेत मजदूरों के हैं, जो भी संगठन है, वो तमाम लोगों की इसके अंदर सहमति है और वो सारे शामिल होंगे। क्या कुछ संख्या रहेगी जी किसानों की और ट्रैक्टरों की? देखो संख्या का तो अभी देखो जनता के ऊपर ये इसमें निर्भर करेगा, लेकिन अंदाजा ये है कि 500 के लगभग तो हमारे पैदल चलने वाले लोग होंगे जो परेड में शामिल होंगे। आगे आगे पैदल जब चलेगा तिरंगा झंडा हाथ में लेकिन है और उसके पीछे जो भी व्हीकल होंगे, ट्रैक्टर है या जो दूसरी गाड़ियां हैं या कोई बुजुर्ग हैं या कोई महिलाएं हैं, वो साधनों में बैठ के ना व्हीकलों में बैठ के अंदर उस परेड के अंदर शामिल होंगे। जी आपका नाम? राम कुमार बैबूपुरिया, राज्य महासचिव अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन हरियाणा। इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। इसके चलते फतेहाबाद प्रशासन के द्वारा 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं फतेहाबाद के एसपी के द्वारा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग लेकर चौकसी बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए इस राष्ट्रीय पर्व की महत्ता के गरिमा के अनुरूप ही हमने पूरी तैयारियां अपनी कर ली हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं, किसान भाइयों से भी बातचीत की गई है, वो भी अपना ट्रैक्टर्स का यात्रा अपनी करेंगे और ट्रैक्टर्स के साथ वो उनको भी रूट और उसके लिए भी उनसे बातचीत हम कर रहे हैं ताकि जहाँ से भी वो निकलें तो ट्रैफिक को सही से रेगुलेट किया जाए, किसी भी आम जन को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए उनसे लगातार बातचीत जारी है और हमने कई स्थानों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स भी लगा दिए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिलकर इस काम को समुचित ढंग से अच्छे ढंग से कर पाए। मंत्री जी का